हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि वर्फिंग का काम किस तरह से किया जाते हैं और उसको सीखने में कितना टाइम लगता है और उसकी सैलरी कितनी है। दोस्तों, सैलरी तो है, बहुत अच्छी खासी सैलरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इनकम इन लोग कर सकते हैं और करते भी बहुत सारे लोग। तो कितनी सैलरी है और कितना इनकम कर सकते हैं, ये पूरा मैं आप लोग को एंड में दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोग को दिखा दूं कि शुरू से किस तरह से काम करते हैं और सीखने में कितना टाइम लगता है। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग बता दूं कि वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करना, अगर कोई नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा वर्फिंग। दोस्तों, मैं आज जो आप लोग को जो वर्फिंग दिखा रहा हूँ, ये वाटर जेट का है और इसमें चाहे तो रेफेर का भी बीम निकाला जा सकता है, लेकिन जो पावर लूम्स में जो बीम निकलते हैं ना, वो इसमें नहीं निकलेगा क्योंकि उसकी वर्फिंग अलग रहता है, इसकी वर्फिंग अलग है। तो इसमें खाली वाटर जेट और रेफेर का निकल सकता है। और यहाँ पे है दोस्तों, मैं आप लोगों को शुरू से दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि कार्टूनों में जो भी माल आता है, जो भी सेट, जो भी क्वालिटी चलाने का सोचता है उसके हिसाब से माल लेके आएगा। और यहाँ से इसमें जो कॉर्न निकलता है, जो भी यार्न जो तार है, वो ये अलग कौन इस वर्फिंग में लगेगा। देखिए, सब अलग अलग क्वालिटी, जिसको जो क्वालिटी चलाने का है उसके हिसाब से वो लेके आएगा, तो वो माल यहाँ पे लगेगा, ठीक है। और हर जगह पे वर्फिंग अलग अलग होता है, आप लोग ये मत सोचिए कि हर जगह पे एक जैसे वर्फिंग होगा, अलग अलग वर्फिंग है, ठीक है। अभी यहाँ से देखिए, इसके अंदर से तार निकलेगा और ये तार जहाँ आएगा वहाँ पर, यहाँ पर भी बीच में भी होल है, उस होल से जाएगा वहाँ छल्ले में जहाँ पे वर्फिंग चला रहे हैं ना वो लड़का, वहाँ तक, ठीक है, इस होल से लेके वहाँ तक जाएगा। देखिए, सब तार, सब एक 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 ऐसा एक एक तार मिला मिला के जितने भी है। दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे अगर एक तार भी कटेगा ना, ये रहा ये सेंसर, इस सेंसर से अगर तार कट गया तो मशीन वहीं पर बंद हो जाएगा। मतलब कहना ये चाहता हूँ कि पूरा फुल ऑटोमेटिक है ये, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो मशीन बंद हो जाती है। तो ये रहा वो तार, यहाँ से हर होल में एक 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 तार लेने का, और ये फनी में भी एक 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 तार लेना पड़ता है। फिर यहाँ पे और एक फनी आएगा, उस फनी में से लेके फिर यहाँ पे वर्फिंग चलाते हैं। देखिए, यहाँ से लेके तार आता है, फिर इस फनी, यहाँ पे होल में, फिर यहाँ पे फनी में, और यहाँ पे और एक छोटा फनी रहता है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, यहाँ पे चलता ये रहा, पैर के नीचे जो है ना, यहाँ से एक्सलेटर से चलता है। मतलब पहले शुरू में जो पैर के नीचे है वहाँ पे एक्सलेटर से पहले चलाएगा, ये रहा, ये जो पैर है ना नीचे, यहाँ पे थोड़ा हल्का सा चलाएगा, जैसे कि थोड़ा चलता है, उसके बाद फिर बटन दबा देगा तो अपने आप चलता रहेगा, जब तक कि उसका कितना मीटर तार है, मतलब कितना मीटर निकालना चाहते हैं उसके हिसाब से फिर वो चलता रहेगा, ठीक है। अभी चले मैं मीटर भी दिखाता हूँ, ये रहा मीटर, और यहाँ पे स्पीड भी लिखा हुआ होगा, ये रहा मीटर, कितना मीटर चलाना है वो पहले से सेट करके रख देते हैं। और यहाँ पे स्पीड देखिए कितना स्पीड है, ठीक है। तो इस तरह से वर्फिंग यहाँ पर चलता है शुरू में। और दोस्तों, आप लोगों को बता दूँ कि ये सीखने के लिए सब लोगों को अपने अपने हिसाब से सीखते हैं, जैसे कि कोई 2 महीने में सीख जाते हैं, तो कोई कोई 6 महीना साल भर भी लगा देते हैं। सब लोगों का सीखने का अपना अपना एक अलग होता है, ठीक है। ये लड़का जो है मतलब 2 महीने में सीख गया था, ज़्यादा इसको टाइम नहीं लगा था। तो देखिए, एक सेक्शन अभी पूरी तरह से मार दिया, अभी आराम से बैठा रहो जब तक कि वो पूरा उतना मीटर ना हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद फिर दूसरा सेक्शन के लिए, और सबसे मेहनत वाला काम भी है ना यही है, सेक्शन मारना, क्योंकि बिना सेक्शन मारे कोई सीख ही नहीं सकते, क्योंकि सबसे पहले सेक्शन ही यहाँ पे सिखाया जा सकता है। जैसे कि अब ये लड़का, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि सेक्शन किस तरह से मारते हैं, क्योंकि ये हर जगह भी नहीं सिखाया जाता इतना, पहले शुरू में तो कुछ ज़्यादा ही मेहनत करवाते, उसके बाद ये सिखाया जाता है। तो आप लोग देखते रहिए कि किस तरह से सेक्शन मार रहा है, ठीक है। दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि ये काम ऐसा है कि इसमें सीखने के लिए भी पैसा मिलता है, ठीक है। मैंने भी कुछ लोगों को यहाँ पे बिठाया हूँ,
लेकिन मैं ज़्यादातर वीडियो नहीं दिखाता हूँ लोगों का, तो इसको सीखने के लिए भी पैसा मिलता है। पहले तो 7-8 हज़ार तक मिलता था, अभी 10 हज़ार तक भी मिल जाता है सीखने का। और बाकी आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग कितना जल्दी सीखते हैं। कोई तो मतलब मीडियम बोलो ना, तो 2 महीने में सीख ही जाना चाहिए एक लड़का, 2 या 3 महीने में, उससे ज़्यादा नहीं। फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना लगना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। जब ये काम पूरी तरह से सीखते हैं ना दोस्तों, तो उसकी पगार भी क्वालिटी के हिसाब से, कितना तार निकलता है, कितना बीम निकलता है, उसके हिसाब से पगार रहता है। तो आप लोगों को मैं एक अंदाज़ा बता दूँ, तो 30 से लेकर 40 हज़ार इसमें कमाते हैं, जैसे कि एक नॉर्मली वर्फिंग रहता है। लेकिन ये जो फुल ऑटोमेटिक है ना, इसमें थोड़ा ज़्यादा ही कमानी होती है, 50 से लेकर 60 हज़ार भी आराम से कमा लेते हैं। कैसे, जैसे कि नया नया प्रोग्राम आते हैं, नया नया डिजाइन आते हैं, ठीक है, ओनली प्लेन में भी इतना नहीं होगा, जो डिजाइन आता है, अलग अलग प्रोग्राम है, तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि 50-60 हज़ार आराम से कमा लेते हैं हर महीने, ठीक है। और आप लोगों को बता दो कि इससे ज़्यादा भी लोग कमाते हैं। वो कैसे, जैसे कि अभी ये लड़का पूरी तरह से सीख गया, सीखने के बाद फिर एक जगह पे अपना खुद का काम चलेगा, वहाँ पे समझ 1 साल चलाएगा, उसके बाद 2-3 और कंपनियाँ मतलब कॉन्ट्रैक्ट लेगा। कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद क्या करेगा, इसके हाथ के नीचे वो लड़के लोग को भी लगाएगा, फिर उन लोग के ऊपर भी कमीशन निकलेगा, मतलब 10 हज़ार 20 हज़ार ऐसा निकलेगा उन लोग के ऊपर, और ये लड़का जो अलग से काम करेगा उसका अलग। तो वैसे ही बता दूँ दोस्तों, यहाँ पे कुछ लोग ऐसा भी मैंने देखा हूँ कि महीने का 2-3 लाख 4 लाख कोई 5 लाख भी कमा रहे हैं इसमें, ठीक है। कुछ लोग ऐसा भी है, मतलब 3-4 लाख तो आराम से कमा ही लेते हैं महीने में, वो भी बिना कंपनी में जाए, ओनली महीने में एक बार जाने का और पगार लेके आने का, और ज़्यादा कुछ बड़ा प्रॉब्लम है तो तब जाके राउंड मारने का कंपनी में। ऐसे मतलब है ये काम, ऐसा भी चलाया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अभी ये वर्फिंग चला रहा है और ये सेक्शन मार दिया पूरी तरह से, तो ये सेक्शन मारना ही इस लाइन में सबसे ज़्यादा टफ होता है। बाकी तो जो रेगुलरी जो काम चलता है, मतलब बेसिक जो चीज़ें हैं ना, वो तो आराम से कोई भी सीख लेते हैं। फिर दोस्तों इसके बाद, अभी जैसे कि बीम पड़ गया, मतलब बीम सेक्शन हो गया, तो यहाँ पे इस कार्ड में पूरा लिखना पड़ता है, बीम नंबर, बीम क्वालिटी कौन सा है, मीटर, टाका, पना, तार कितना है, और ये चौकड़ी पे भी पूरी तरह से एंट्री किया जा करते हैं, सब कुछ यहाँ पे लिखना पड़ता है, पाइप नंबर कितना है, कितना पना है, सब कुछ। तो पना के बारे में तो मैं आप लोगों को दूसरी वीडियो में बताऊँगा। तो इसमें ये रहा, सब कुछ इस तरह से लिखते हैं, जो वर्फिंग चलाते हैं अगर जो भी सीखते हैं उन लोग आराम से सीख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर ये रहा, अभी पूरी तरह से हो गया वर्फिंग, ठीक है, ये मतलब बीम निकल गया, जितना सेक्शन मारना, जितना तार उन लोग की जो भी था ये सब वो निकल गया। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर रोलिंग किया जाता है, जैसे कि इसमें भी देखो फुल ऑटोमेटिक है, कोई कोई वर्फिंग में कैसा यहाँ पर पाइप उठा के रखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर बटन दबा दो, यहाँ पे नीचे वो आ जाता है पाइप लेने के लिए मशीन, फिर वो पाइप लेके ऊपर जाता है, ठीक है, ऐसा है। और वो भी सीखना पड़ता है, छोटी छोटी बातें, आप लोगों को लगता है कि नहीं है ऐसा कुछ नहीं है, क्या है इसमें, बटन दबा दो सब कुछ हो रहा है, ऐसा भी नहीं है, हर छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ध्यान रख रख के करना पड़ता है। इसके लिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ थोड़ा, ताकि आप लोगों को भी समझ जाए कि ऐसा नहीं है कि बस तार वहाँ से लाया, बीम निकाल दिया, बीम रख दिया, हो गया हम लोग कमा लिया, ऐसा नहीं। एक छोटी सी भी प्रॉब्लम अगर हो जाती है ना दोस्तों, तो पूरा बीम काटना पड़ता है, पूरा बीम काटना पड़ता है, यानी कि सेट का कितना नुकसान देखा जाए तो कभी कभी अपना पूरी सैलरी हो जाती है 1 महीने की, तो इतना ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और नुकसान ना हो इसलिए छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि इसको बोलते हैं थाली पाइप, हाँ, तो थाली जो साइड में है ना उतना ही तार उतना ही आना चाहिए, एक तार भी उधर इधर मतलब क्रॉस में हुआ या ज़्यादा थाली उधर इधर हुआ तो बीम बहुत लोचा हो जाता है, तो इसके वजह से बहुत नुकसान झेलना पड़ता है सेट को, इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। देखिए पाइप लगाने के लिए भी बहुत सेटिंग करना पड़ता है इसमें, ठीक है, जो चक्कर आता है ना वो ये साइड और खाली पाइप वो साइड, ये जो भी सीखेगा ना दोस्तों उन लोग को मालूम पड़ ही जाएगा,
लेकिन मैं छोटी छोटी चीज़ें इसलिए दिखा रहा हूँ कि ज़्यादातर कोई वीडियो में इस तरह से नहीं दिखाते, खाली दिखा दिया हाँ वर्फिंग का काम है, महीने का इतना कमा लेते हैं और इसका इतना है, ऐसा कुछ नहीं। इसके पीछे भी है ना बहुत मेहनत है, बिना मेहनत का भी कुछ होता नहीं है। तो वही मैं छोटी छोटी चीज़ें दिखा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, अभी ये तार वहाँ पे डाल रहा है, अगर यही दूसरा क्वालिटी रहेगा ना तो वो इस तरह से नहीं डाला जा सकता, उसको थोड़ा अलग प्रोसेसिंग होगा। जैसे कि लाइक्रा भी चलता है और दूसरे भी माल है और अलग अलग, तो इस तरह से अलग अलग माल के हिसाब से अलग अलग करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि एक ही जैसा है। तो देखिए यहाँ पे पूरा फुल मतलब बटन से ही चलता है, कोई कोई वर्फिंग में खींचना पड़ता है, कोई कैसा है तो वो अलग है। तो ठीक है दोस्तों, अभी देखिए अभी वहाँ से ये जुड़ा लाया, एकदम टाइट भी करना पड़ता है, और यहाँ पे देखिए उसका बांधने का स्टाइल भी देखिए, और ऐसा ही बांधना पड़ता है। अगर निकलना चाहे तो ऐसे ही निकल जाएगा वो, लेकिन निकलेगा भी नहीं क्योंकि वो बांधा भी देखिए कैसा। और यही होता है, हर छोटी छोटी चीज़ें हैं ना सीखना पड़ता है इस वर्फिंग लाइन में। ऐसा नहीं है बाहर वाले, क्या बहुत लोग बोलते हैं क्या वर्फिंग का काम है, हम लोग आए बस देखा सीख ले, कोई कोई तो बोलता है मैं वीडियो देख के सीख जाता हूँ, ऐसा नहीं है भाई, बहुत मेहनत लगती है। यहाँ पे रुक के खड़े रहेगा ना तो चक्कर आ जाता है, इतना छोटी छोटी चीज़ें भी रहती है। ठीक है देखिए, अब ये पाइप ये लगा दिया, यहाँ पे देखिए जो छोटी छोटी जो गैप दिख रहा है ना दोस्तों, वो गैप भी नहीं दिखना चाहिए, मतलब इतना टफ है छोटी छोटी, देखिए यहाँ पे कितना गैप दिख रहा है, तो वो हर चीज़ मतलब देखना पड़ता है। ठीक है, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें और बहुत हैं। देखिए अभी धीरे धीरे गैप है ना ख़त्म हो जाएगा, ये तो सेक्शन है जो हल्का हल्का दिख रहा है सेक्शन है। फिर उसके बाद यहाँ पे बीम आएगा दोस्तों, जब बीम पूरी तरह से हो जाता है ना, बीम यहाँ पे आता है, फिर यहाँ से फिर बीम पसारने वाले के पास जाता है, फिर बीम पसारने वाले जैसे कि मैं ही हूँ, तो हम लोग पहले भी उसको जाले में पसारते हैं, बाद में इस तरह से फनी मार देते हैं जिसको रीड भी बोलते हैं, फिर वो फनी मार के उसके बाद वो मशीन पे जाता है। तो ऐसा है ये वर्फिंग का, तो इसको पहले पूरी तरह से होने दें, मैं फिर दिखाता हूँ आगे। तो दोस्तों ये रहा, अभी पूरा फुल हो गया है। तो दोस्तों ये रहा, मैं कुछ और भी दिखाना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि वो रोलिंग चालू कर दिया तो हो गया, नहीं उसके अंदर देखिए ऐसा तार भी टूटा हुआ रहता है, जो ये दिख रहा है ना इसमें एक ही तार है, लेकिन वो घूम घूम के इतना जाड़ा तार हो गया। अगर ये मशीन पे जाएगा वहाँ पे एक तार भी नहीं रहेगा ना तो कपड़ा नहीं आता है, तो इसके लिए एक तार का भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये बहुत ध्यान देना पड़ता है इसमें। तो देखिए अभी वो तार को किस तरह से निकालेगा, अभी यहाँ से धीरे धीरे मतलब चालू किया है ताकि स्पीड में अगर करेगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो ये तार अभी निकल रहा है, तो देखिए हो गया अभी, अभी फिर धीरे धीरे निकालते हैं। बस इस तार के मतलब हर चीज़ ध्यान देना पड़ता है, बस यही मैं कहना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि देखिए तार देखा एक ही है यहाँ पे, इसे एक तार के वजह से भी बहुत सा प्रॉब्लम होती है, मशीन पे भी जाएगा वहाँ पे भी कारीगर चिल्लाएंगे, सेट लोग भी चिल्लाएंगे, तो ये बहुत प्रॉब्लम होती है, छोटी छोटी चीज़ें बहुत ध्यान देना पड़ता है। ठीक है चलिए अभी इसको होने दीजिए। तो ये रहा अभी हो गया वर्किंग, तो बीम पूरी तरह से हो गया, बस इसके बाद यहाँ से अभी ये रहा ये जोग है, जोग निकालना, जो भी शुरुआत से जो भी किया है उस तरह से निकालने का। तो दोस्तों यही है पूरा प्रोसेसिंग वर्फिंग का, तो इसमें बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आप लोग को और दिखा भी नहीं सकता, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है ना, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगी वीडियो, वैसे मेरी वीडियो बहुत लंबी होती है। तो इस तरह सा है, तो शुरू से मैं वही आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जो सीखते हैं उसको भी पैसा मिलता है, बस फ़र्क इतना है अगर वो अपना है जो सिखाने वाला तो जल्दी सिखाएगा, अगर कोई बाहर वाला है तो थोड़ा लेट होगा सीखने में, तो और सीखने के बाद इसमें 30-40 हज़ार तो बहुत मामूली बात है, 40-50 हज़ार 60 हज़ार तक तो इसमें कमाई लेते हैं इस लाइन वर्फिंग में,
इसके बाद अगर आगे बढ़ना चाहें तो अपने हिसाब से 2-4 खाता और लीजिए, और लोगों को काम पे रखिए, उन लोग के पास जो कमीशन मिलता है उसके ऊपर उन लोग 2-3 लाख रुपया भी कमाते हैं हर महीने। तो यही है दोस्तों आज की वीडियो मेरी। तो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके। अगर कोई आना चाहते हैं ना दोस्तों तो वो भी आ सकते हैं, तो उन लोग को भी मैंने दिलाया भी हूँ पहले भी, ऐसा नहीं कि नहीं दिलाया, उन लोग को भी मैंने दिलाया हूँ, तो आप लोग को भी मैं दिलाऊँगा। ठीक है, अभी पूरी तरह से बीम हो गया और ये बीम अभी जाएगा बीम पसाने वाले के पास। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि वीडियो कैसा लगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, और मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भी आ जाइए, जो जिसी को भी नहीं पता मेरे इंस्टाग्राम का आईडी sonu8049, तो वहाँ पे आप लोग आइए, उससे बातें भी कर सकते हैं, वहाँ पे कुछ चाहे तो पूछ भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ओके बाय, बीम पूरी तरह से हो गया है, फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। ओके बाय।